दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे USFDA के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली USFDA का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रोल होता है, यहाँ पे USFDA की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या नए नए चेंजेस आते हैं और यहाँ पे USFDA की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में USFDA का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप मेडटॉक के एपिसोड इस चैनल के ऊपर पहले से देखते हो तो आपको एक बात जरूर पता होगी, क्योंकि मेडटॉक के हर एक एपिसोड में या फिर एक दो एपिसोड में हर वक्त यहाँ पे एक बात आ जाती है कि USFDA का यह ऑडिट आ गया, USFDA की वजह से ये नए ऑब्जर्वेशंस आ गए। तो एग्जैक्टली आप सब लोगों को एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता होगा कि एग्जैक्टली USFDA ही क्यों यहाँ पे ऑडिट्स वगैरह सब चीजें करती है और यहाँ पे USFDA का क्या रोल होता है। सबसे पहली बात, USFDA क्या है? दोस्तों देखिए, USFDA एक रेगुलेटरी एजेंसी है, अगर हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे आसपास अगर कोई क्रिमिनल का क्राइम केस होता है तो यहाँ पे पुलिस आ जाती है, वैसे ही कुछ अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग फॉलो करते हैं या फिर नहीं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर फार्मास्यूटिकल कंपनी चलती है या फिर नहीं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे सीरियस है या फिर नहीं, इन सब चीजों को यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पे नजर रखने के लिए जिस रेगुलेटरी एजेंसी का हाथ होता है इसे बोला जाता है USFDA। हालांकि USFDA सारी कंट्रीज में नहीं है, हर एक कंट्री का अपनी अपनी यहाँ पे रेगुलेटरी एजेंसी अलग अलग है। कुछ कंट्रीज की रेगुलेटरी एजेंसी यहाँ पे MHRA है, कुछ कंट्रीज की USFDA है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे, हालांकि अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है और अमेरिका का इस पूरी दुनिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यहाँ पे पूरी दुनिया में लगभग 185 कंट्रीज है, उसमें से लगभग आधी से ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे USFDA को फॉलो करती है। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि अगर कौन से भी कंट्री USFDA को फॉलो कर दे तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपोर्ट अमेरिका में जाने का चांस होता है, और अमेरिका जो कि सबसे बड़ा मार्केट है कौन से भी कंट्री के लिए, वो नहीं चाहेगा कि यहाँ पे अमेरिका का मार्केट उससे हाथ से जाए। तो इस वजह से USFDA का हर कंट्री USFDA को फॉलो करती है, और जो कंट्री USFDA को फॉलो करती है, जिन कंपनीज को USFDA का अप्रूवल मिल जाता है, उन कंपनीज को यहाँ पे परमिशन मिलती है अमेरिका जैसे कंट्री में एक्सपोर्ट करने का। यह होता है USFDA। दूसरी बात, USFDA ऑडिट क्यों करता है? दोस्तों देखिए, हर एक इंसान या फिर हम सब लोग तो इंसान है, कहीं ना कहीं हम गलती तो हर रोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गलती है पकड़ में आ जाए, और कहीं ना कहीं हम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हम सब लोगों को पता होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट में यहाँ पे कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए, और इस वजह से यहाँ पे टाइम टू टाइम USFDA का ऑडिट्स हर एक कंपनी में चालू रहते हैं। अगर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है तो उस कंपनी में USFDA का ऑडिट्स हमेशा चालू रहते हैं, क्योंकि उनका लगभग जो एक्सपोर्ट होता है वो बाहर की कंट्रीज में होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज चाहते हैं कि उनका एक्सपोर्ट अमेरिका में बना रहे, ताकि उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा रहे, और कहीं ना कहीं वो जो अपनी सक्सेस या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो हमेशा होते रहे। तो यहाँ पे USFDA टाइम टू टाइम हर साल में, दो साल में USFDA ऑडिट करता रहता है। दूसरा पे तीसरी एक बात आती है कि USFDA का ऑडिट जब फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या इसका इफेक्ट होता है कंपनी के ऊपर। दोस्तों देखिए, यहाँ पे USFDA का ऑडिट जब फेल हो जाते हैं तो डायरेक्टली साइन होता है कि कंपनी बंद पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों देखिए, USFDA का ऑडिट जब फेल होता है तो आपका प्रोडक्ट आप अमेरिका जैसी कंट्री में यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितनी भी सारी कंट्रीज USFDA को फॉलो करती है, USFDA के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती है, उन सारी कंट्रीज में भी आप अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे अगर आपके पास USFDA ऑडिट लाइसेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे कंपनीज घाटे में चली जाती है, बंद पड़ती है। मैंने ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज देखी है जिन्होंने एक ही टाइम पे 300, 400, 500 एम्प्लॉयज को निकाल कर दिया, क्योंकि उनके ऑडिट्स अगर फेल हो जाते तो उसका कोई रीजन ही नहीं रहता उन एम्प्लॉयज को कंपनी में रखने का, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी की प्रोडक्ट से, मतलब अगर कंपनी 5 प्रोडक्ट बना रही है और यहाँ पे USFDA के ऑडिट फेल हो जाते तो डायरेक्टली उसके 3 प्रोडक्ट्स बंद पड़ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कंपनी को कितना ज्यादा इसका नुकसान होता है, और इसी की वजह से USFDA के ऑडिट्स हर एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये था आज का वीडियो, मैं आपके साथ USFDA के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाला था। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।